नमस्कार, मैं गिरधारी आप सभी का गुरु मंत्र पर स्वागत करता हूँ। आज हमारा लूसेंट सीरीज का वीडियो नंबर पार्ट 25 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 25। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है, तो वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो शुगर केन सबसे ज्यादा उत्पादित करता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ नॉन एक्टिव गैस फाउंड इन एटमोसफेयर ऑफ विच गैस। वह कौन सा गैस है जिस वातावरण में सबसे अधिक सक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सी गैस है, वो गैस है आर्गन। आर्गन जो है सबसे अधिक असक्रिय गैस है जो कि वातावरण में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टी कल्टीवेशन बिलोंग्स टू विच प्लेस। चाय की खेती किस जगह से होती है, चाय की खेती जो है वो कैसी जगह में होती है, तो चाय की खेती वहाँ होती है जहाँ रेनी प्लेस हो, जहाँ बारिश अधिक होती हो, वैसी जगहों पे चाय की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज अ व्हाइट कॉन्टिनेंट। किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, तो यह अंटार्कटिका है जो कि पूरी तरह से बर्फ की चादरों से ढकी हुई है और जिसके कारण उसे हम व्हाइट महाद्वीप यानी कि सफेद महाद्वीप के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री गंगा रिवर इज नोन एज पद्मा। गंगा नदी को किस जगह पद्मा के रूप में जाना जाता है, पद्मा नदी के रूप में जाना जाता है, तो कहाँ जाना जाता है, ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा के रूप में जानते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ध्यानचंद स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच सिटी। ध्यानचंद स्टेडियम जो है ये किस शहर में है, तो ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, ये है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है हमारा ध्यानचंद स्टेडियम। हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वूलन मिल एस्टैब्लिश इन इंडिया एट विच प्लेस। फर्स्ट पहली वूलन मिल जो है वो भारत के किस राज्य किस जगह पे शुरुआत की गई थी वूलन मिल की, तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, कानपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज नोन एज अ लैंड ऑफ कैनल्स। लैंड ऑफ कैनल्स के रूप में कौन सी कंट्री को जाना जाता है, तो वो कंट्री क्या है, पाकिस्तान। अगर यही आपसे पूछा जाए, हाँ, लैंड ऑफ कैनल किसको कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में इसकी सबसे बड़ी पार्ट जो है राजस्थान में, और ये कहाँ 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 और कहाँ कहाँ है, तो ये हरियाणा में, हरियाणा और पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ विच ओशियन। कौन सी सुंडा ट्रेंच जो है किस महासागर का सबसे गहरी बिंदु है, तो वो कौन सी महासागर है, सुंडा ट्रेंच किसकी है, तो ये है इंडियन ओशियन की। इंडियन ओशियन की सबसे गहरी जो है वो है सुंडा ट्रेंच। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गार्लिक। गार्लिक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो गार्लिक के सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक लहसुन की खेती की जाती है। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, पहले उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिवर विच मेक्स अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर बनाती है वह कौन सी कंट्री है, तो वह कंट्री कौन सी है, वह कंट्री है वह नदी कौन सी है, तो वह नदी है काली रिवर। काली रिवर जो है भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है।
Which city is the highest producer of leather in India? भारत में चमड़े का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा शहर है? तो वो है कानपुर. Which country is the highest producer of diamond? डायमंड की सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कंट्री कौन सा है? तो वो है रशिया. रशिया जो है की है, रशिया डायमंड की सबसे अधिक उत्पादन करता. हमारा अगला क्वेश्चन है, यरवादा कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? यरवादा कप किस खेल से संबंधित है? यरवादा कप तो ये किस खेल से संबंधित है? यह है हॉकी से संबंधित है यरवादा कप. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी वर्ड हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम विच लैंग्वेज? बॉटनी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो ये किस भाषा से लिया गया है? यह ली गई है ग्रीक भाषा से. बॉटनी कहाँ से ली गई है? तो ग्रीक भाषा से ली गई है बॉटनी. हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? कंप्यूटर लिटरेसी डे है डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे. हाउ मैनी क्रोमोसोम्स पेयर आर लॉन्च इन ह्यूमन बॉडी? मानव के शरीर में कितने क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं? तो ये 26 होते हैं, यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46. 1 KB बराबर कितना होता है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है. तो 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 bytes. प्लेग इज कॉल्ड, प्लेग किस कारण से होता है? तो प्लेग किस कारण से होता है? प्लेग जो होता है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल में खाद्य भाग के रूप में क्या जाना जाता है? द इडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट. इडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज नोन एज. वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज नोन एज. बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? तो बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में क्या रेशियो होता है? ये होता है 600:1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर. कैंसर की बीमारी के अध्ययन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं. ऑन्कोलॉजी कहते हैं. तो आज का बस इतना ही. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.